सुभान अल्लाह प्यारे दोस्तों, ये कुदरत का कानून है कि इस दुनिया में जो भी आता है उसे एक ना एक दिन लौटकर वापस अपने खालिक की तरफ जाना है। मौत का जायका हर जी रूह ने चखना है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जब आदमी पर नज़ा का वक्त तारी होता है, मतलब मौत करीब होती है, तो अल्लाह उस बंदे की जानब पांच फरिश्ते भेजता है। पहला फरिश्ता उसके पास उस वक्त आता है जब उसकी रूह हलकूम तक पहुंचती है, यानी हलक तक आ जाती है। वो फरिश्ता इस शख्स को पुकार कर कहता है, ए इब्ने आदम, तेरा ताकतवर बदन कहाँ गया? आज ये कितना कमज़ोर है। तेरी फसीह ज़ुबान कहाँ गई? आज ये कितनी खामोश है। तेरे घर वाले और अजीज़ो अकारिब कहाँ गए? तुझे किसने तन्हा कर दिया? फिर जब उसकी रूह कब्ज़ कर ली जाती है और कफन पहना दिया जाता है, तो दूसरा फरिश्ता उसके पास आता है और उसे पुकार कर कहता है, ए इब्ने आदम, तूने तंगदस्ती के खौफ से जो मालो असबाब जमा किया था वो कहाँ गया? तूने तबाही और बर्बादी से बचने के लिए जो घर बनाए थे वो कहाँ गए? तूने तन्हाई से बचने के लिए जो उन्स तैयार किया था वो कहाँ गया? फिर जब उसका जनाजा उठाया जाता है, तो तीसरा फरिश्ता उसके पास आता है और उसे पुकार कर कहता है, ए इब्ने आदम, आज तू एक ऐसे लंबे सफ़र की तरफ रवां दवा है जिससे लंबा सफ़र तूने आज से पहले कभी तय नहीं किया। आज तू ऐसी कौम से मिलेगा कि आज से पहले कभी इस कौम से मिला नहीं। आज तुझे ऐसे तंग मकान में दाखिल किया जाएगा कि आज से पहले कभी ऐसी तंग जगह में दाखिल ना हुआ था। अगर तू अल्लाह की रज़ा पाने में कामयाब हो गया तो ये तेरी खुशबख्ती है, और अगर अल्लाह तुझसे नाराज़ हुआ तो ये तेरी बदबख्ती है। फिर जब उसे लहद में उतार दिया जाता है, तो चौथा फरिश्ता उसके पास आता है और उसे पुकार कर कहता है, ए इब्ने आदम, कल तक तू ज़मीन की पीठ पर चलता था और आज तू इसके अंदर लेटा हुआ है। कल तक तू इसकी पीठ पर हंसता था और आज तू इसके अंदर रो रहा है। कल तक तो उसकी पीठ पर गुनाह करता था और आज तू उसके अंदर नादम व शर्मिंदा है। फिर जब उसकी कब्र पर मिट्टी डाल दी जाती है और उसके अहलो अयाल दोस्तों अहबाब उसे छोड़कर चले जाते हैं, तो पांचवा फरिश्ता उसके पास आता है और उसे पुकार कर कहता है, ए इब्ने आदम, वो लोग तुझे दफन करके चले गए। अगर वो तेरे पास ठहर भी जाते तो तुझे कोई फ़ायदा ना पहुंचा सकते थे। तूने माल जमा किया और उसे गैरों के लिए छोड़ दिया। आज या तो तुझे जन्नत के आली बागात की तरफ फेरा जाएगा या भड़कने वाली आग में दाखिल किया जाएगा। मेरे दोस्तों, ये ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर है। एक ना एक दिन हमें भी इस घड़ी से गुजरना है। हमें नहीं पता कि कब और कहाँ से मौत आ जाए, इसलिए हमें इस वक्त की तैयारी करते रहना चाहिए और अल्लाह की इबादत और नेक अमाल करते रहना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हदायत की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आज की इस वीडियो में था बस इतना ही। मज़ीद ऐसी ही इस्लामिक वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल अल्लाह की शान को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल के आइकन को दबा कर ऑल पर क्लिक कर दें। शुक्रिया।